आज हम प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल में कैसे डिस्टिंग्विश किया जाए उसके ऊपर हमारे लेक्चर को फोकस करेंगे। इट मींस ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इस तरह का है कि यू हैव प्रोवाइडेड थ्री टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब नंबर वन, टेस्ट ट्यूब नंबर टू एंड टेस्ट ट्यूब नंबर थ्री। यू डोंट नो दिस 1 2 3 नंबर आपको दिया है, ये टेस्ट ट्यूब नंबर वन है, ये टेस्ट ट्यूब नंबर टू है एंड टेस्ट ट्यूब नंबर थ्री। अब ये बात तय है कि सबके अंदर आपका एल्कोहल है, बट आप नहीं जानते हैं किसमें प्राइमरी एल्कोहल है, किसमें सेकेंडरी एल्कोहल है और किसमें टर्शरी है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है, ये हमारा आज का टारगेट है। तो हमने कहा है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में आप कैसे डिफरेंस करेंगे। तो सबसे पहला जो मेथड है उसको हमने नाम दिया है ल्यूकास टेस्ट, बेस्ट टेस्ट है। और ल्यूकास टेस्ट से आप प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल को एक दूसरे से, जो मैंने लिखा है, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। वेरी फर्स्ट बात हम फोकस करेंगे व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट। तो HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, क्लियर? अगर ये आपको दिया जाएगा तो इसको ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। तो ल्यूकास टेस्ट के लिए आपको ल्यूकास रिएजेंट चाहिए, शॉर्ट में लिखा है मैंने, और मैंने वो कहा है आपको, लिख के दिया है कॉन्सेंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस का मतलब होता है विदाउट वाटर, तो हमने यहाँ पर एनहाइड्रस लगा दिया, ठीक है? ये हमको एनहाइड्रस यहाँ पर चाहिए, ओके? तो दिस इज ल्यूकास रिएजेंट। अब आप क्या करेंगे, हर टेस्ट ट्यूब के अंदर आप डालेंगे ल्यूकास रिएजेंट, यहां भी आप डालेंगे ल्यूकास रिएजेंट और यहां भी आप डालेंगे ल्यूकास रिएजेंट। तीनों ही टेस्ट ट्यूब में आप ल्यूकास रिएजेंट को डालेंगे, और जब तीनों ही टेस्ट ट्यूब में आप ल्यूकास रिएजेंट को डालेंगे तो जिस टेस्ट ट्यूब में जैसे ही आपने ल्यूकास रिएजेंट को डाला और इमीजिएट रूम टेम्परेचर पर इमीजिएट इधर डाला और इधर व्हाइट टर्बिडिटी आ जाए। देखिए मैंने हर जगह व्हाइट टर्बिडिटी को मार्क किया है। अगर वहां पर व्हाइट टर्बिडिटी आ गई मतलब वो टेस्ट ट्यूब में आपका प्राइमरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल है, क्लियर? जहां पर डालते के 5 मिनट लगा आपको, 5 मिनट्स लगा फिर आया तो वो आपका सेकेंडरी है, और जहां पर डालने के बाद 30 मिनट्स लग गया, रूम टेम्परेचर थोड़ा गर्म भी करना पड़ गया, तो डेट इज योर प्राइमरी एल्कोहल। मतलब टूवर्ड्स ल्यूकास रिएजेंट रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी एल्कोहल इज लेस देन रिएक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है आपका टर्शरी एल्कोहल। तो जिस टेस्ट ट्यूब में आपके पास तीन टेस्ट ट्यूब थी, जिस टेस्ट ट्यूब में जैसे ही आपने ल्यूकास रिएजेंट को डाला और वाइट टर्बिडिटी आ गई वो आपका प्राइमरी हुआ, जैसे ही आपने डाला और 5 मिनट्स लगा उसके बाद में टर्बिडिटी आए तो उसको सेकेंडरी बोला, और अगर आपके जहां पर डाला और आधे घंटे बाद आया उसको टर्शरी, तो आपका गलत हो जाएगा, क्लियर? कई बार हम गलत चीजों को देख लेना चाहिए, ये गलत हो जाएगा आपका, ये सब कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है? इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको ये ध्यान रखना है सीक्वेंस, तब तो आपसे गलती नहीं होगी कि व्हाट इज द रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ल्यूकास रिएजेंट। तो टर्शरी इज मोर देन सेकेंडरी, इज मोर देन प्राइमरी, प्राइमरी लीस्ट रिएक्टिव होता है। इसलिए जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने ल्यूकास रिएजेंट डाला और इमीजिएट इमीजिएट व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया, वो आपका टर्शरी होगा, ठीक है, 3 डिग्री। जिस टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद 5 मिनट्स में आया वो आपका 2 डिग्री एल्कोहल होगा, और जिसमें हाफ एन आवर लग जाएगा वो आपका 1 डिग्री होगा। दिस इज ऑल अबाउट ल्यूकास रिएजेंट। और उसमें होता क्या है, OH को हटाना है, Cl को लगाना है। ये जो Cl OH, दिस OH क्लब विथ H सो यू विल गेट H2O, और ये क्लोराइड बन जाएगा, इसी क्लोराइड का व्हाइट टर्बिडिटी वहां पर आता है। तो आप इजीली मेरे ख्याल से कर सकते हैं, ठीक है? और अगर अब मैं आपको दे दूं टेस्ट ट्यूब नंबर वन, टेस्ट ट्यूब नंबर टू, टेस्ट ट्यूब नंबर थ्री, और मैं कहूं कि आपसे ये मैं कहूं कि देखिए ल्यूकास रिएजेंट सब में डाला है हमने, सब में एल्कोहल है और सब में आपने एलआर डाला है ल्यूकास रिएजेंट,
ठीक है, सब में आपने ल्यूकास रेजिन डाला है, और यहां पर इमीजिएट व्हाइट प्रेसिपिटेट नजर आ गया, यहां पर 5 मिनट्स के बाद में नजर आया, यहां पर हाफ एन आवर के बाद में नजर आया, तो आप कहेंगे दिस इज टर्शरी, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज प्राइमरी। आई थिंक ऑल क्लियर, कोई भी आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा सा टेस्ट है ये, करना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक और टेस्ट है, डेट इज कॉल्ड विक्टर मेयर टेस्ट। ये भी एक टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं विक्टर मेयर टेस्ट। अब ये विक्टर मेयर टेस्ट क्या है, ठीक है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो विक्टर मेयर टेस्ट के अंदर एक रिएजेंट की बिल्कुल एक सिस्टम होता है, पूरा का पूरा एक सीक्वेंस होता है, जिसमें रेड फॉस्फोरस एंड I2, फिर डालते हैं AgNO2, फिर डालते हैं HNO2, और फिर डालते हैं NaOH। मतलब दिस सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट्स को बोलते हैं विक्टर मेयर रिएजेंट। लेकिन ये ऑर्डर है, पहले आप टेस्ट ट्यूब के अंदर, क्योंकि 3 टेस्ट ट्यूब तो है यहां पर भी आपके, इस बार में टेस्ट ट्यूब में पूरा ऐसे ही बना देता हूं। ये आपके फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है, नीचे तक चलेगा, ये आपके सेकंड टेस्ट ट्यूब है, और ये आपके थर्ड टेस्ट ट्यूब है। अब आपको सबसे पहले ये प्राइमरी अल्कोहल दिया हुआ था इस टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब वो आपको तो मालूम नहीं है, पर अभी आपने करने के लिए 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये 3 डिग्री है, ठीक है। आपको तो नहीं मालूम है, लेकिन आप सब में सबसे पहला रिएजेंट डालेंगे P+I2, रेड फॉस्फोरस एंड I2, रेड फॉस्फोरस एंड I2, दिस इज द फर्स्ट। तो आपको क्या करना है, OH को रिमूव करना है और I को लगाना है। OH को रिमूव कर रहा है, जो भी कोई दिया हो I को लगाना है, OH को वहां टेस्ट ट्यूब में यही होगा। अब आपने डाला है AgNO2, तो सब में ये दूसरा रिएजेंट है, AgNO2 डालना है आपको, ये सेकंड रिएजेंट है, AgNO2 डालना है। जब आप इस सेकंड रिएजेंट को डालेंगे तो ये आई आपका यहाँ से AgI के फॉर्मेट में बाहर निकल जाएगा सब में से, और आई की जगह NO2 लग जाएगा। देखिए यहाँ भी NO2 लग गया, यहाँ भी NO2 लग गया, ना ये यहाँ भी NO2 लग गया, ठीक है। तो यहाँ ये पहला आपने रेड फॉस्फोरस डाला, दूसरा, अब थर्ड डालना है आपको HNO2, देखते हैं, थर्ड डालना है आपको HNO2, ठीक है। तो थर्ड आपने डाला HNO2, तो जब आप HNO2 डालेंगे तो दिमाग में दो बातों को ध्यान रखिए। नाइट्रो तो बन गया आपको, मैंने पहले बता दिया। अब आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये जो NO2 है, HNO2 डाला आपने, तो ये जो NO2 है, जिस कार्बन पर, यहां पर उस पर जो हाइड्रोजन है उसको बाहर निकालना एज ए वाटर, यहाँ एच है तो एज ए वाटर इसको बाहर निकालना, और यहाँ नहीं है तो आगे रिएक्शन नहीं होगी। तो NO2 से एसोसिएट फर्स्ट कार्बन इज कॉल्ड एल्फा, दिस इज कॉल्ड एल्फा, दिस इज कॉल्ड एल्फा। जिस एल्फा पे हाइड्रोजन होगा वहां रिएक्शन होगी, है यहाँ पर, यहाँ भी एल्फा हाइड्रोजन होगी, यहाँ पर नहीं होगी, तो यहाँ रिएक्शन स्टॉप हो गई। बाद में NO डालेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। मतलब आपको मालूम चल गया कि जिसमें डालने पर कुछ भी नहीं हो रहा है, आपको वैसा के वैसे ही नजर आ रहा है, नो कलर चेंज, वो आपका यहाँ पर हो गया कौन सा, टर्शरी एल्कोहल। क्लियर? क्योंकि विक्टर मेयर के अंदर टर्शरी एल्कोहल रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए कोई कलर नहीं आया। अब प्राइमरी को देखिए, H2 को निकालना है। अब H2 को निकालना है तो वाटर के फॉर्म में तो वही चाहिए, तो ये देखिए मैंने H2O निकल गया, बचा के R, ऑल राइट R, C, ऑल राइट C, NO2, यस, डबल बॉन्ड NOH, डबल बॉन्ड NOH, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोलिक एसिड, क्योंकि H है इसके पास में। अब इसके H को निकालना है, लेकिन इसके H को निकालना है आपको तो यहां से OH लेना पड़ेगा, तो ये आपका यहां भी निकल जाएगा H2O, R2, C, ऑल राइट NO2, लेकिन अब यहां पर सिंगल बॉन्ड NO, इसको बोलते हैं स्यूडो नाइट्रोल, दिस इज नाइट्रोलिक एसिड बिकॉज इट हैज H+, बट दिस इज स्यूडो, मतलब H नहीं है, फिर भी आपने इसको बोला है नाइट्रोल, तो स्यूडो मीन्स फॉल्स। क्लियर? ये एग्जाम में स्ट्रक्चर्स आते हैं, भूलना नहीं है। एंड फाइनली जब इसमें NaOH डालेंगे तो जहां पर रेड प्रेसिपिटेट आ जाए वो आपका प्राइमरी एल्कोहल है, जहां पर NaOH डालने पर ब्लू प्रेसिपिटेट आ जाए वो आपका सेकेंडरी एल्कोहल है, और जिसमें कुछ भी नहीं आए वो आपका टर्शरी एल्कोहल है। दिस इज कॉल्ड विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है। एक बार और हमको देख लेना चाहिए, ऑर्गेनिक का यही कायदा है कि आपको देख लेना चाहिए अच्छी तरह से, एक बार नहीं दो बार नहीं, देख लेना चाहिए, नॉट लाइक दिस कि आप फॉरगो कर दें। देखिए टेस्ट का नाम है विक्टर मेयर टेस्ट, रिएजेंट चाहिए अपने को इतने सारे, इनको मिला के बोलेंगे विक्टर मेयर रिएजेंट,
और हमने कह दिया कि प्राइमरी अल्कोहल होगा तो ब्लड रेड कलर देगा, सेकेंडरी अल्कोहल ब्लू कलर देगा और टर्शरी कोई कलर नहीं देगा, नॉट गिव एनी कलर। तो ये पहले से हमारा तय है। सब में आपने पहले रीजन को डाला पी आई टू, रेड फास्फोरेशन आई टू। क्या करना है आपको, ओएच को हटाना है और जहां से ओएच को हटाया वहां से आप आई को लगाना है, बस इतना। बड़ा आसान सी रिएक्शन है, आप कर लेंगे, ठीक है। ये पहला स्टेप। अब हम दूसरे रिएजेंट की तरफ जाते हैं। तो दूसरा रिएजेंट बोलता है AgNO2, क्या डालो, AgNO2। तो ये भी बड़ा आसान सा है, कर सकते हैं हम। तो आई को हटाना है, किसके साथ मिला के, Ag के साथ, और NO2 को लगाना है। आई को हटाना है, AgI निकल जाएगा और NO2 को लगाना है। आई को हटाना है Ag के साथ में और NO2 को लगाना है। अब थर्ड है हमारा HNO2। तो ये जो थर्ड आपका, ये जो आपका एल्फा हाइड्रोजन है, इस H2 को हटाना है वाटर के फॉर्मेट में, तो O को लेना पड़ेगा। इस H को हटाना है वाटर के, तो OH को लेना पड़ेगा। और यहां नहीं है इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होगी और कोई भी यहां पर कलर नहीं मिलेगा, ओके। मतलब कलरलेस सॉल्यूशन रहेगा। अब आपने क्या किया, H2O को हटा दिया, देखिए H2O को हटा दिया आपने, तो RCNO2 NOH ये बन गया। H है इसलिए इसको नाइट्रोलिक एसिड, RCNO H नहीं है इसलिए स्यूडो मतलब फाल्स नाइट्रोल। NaOH डालोगे तो रेड प्रेसिपिटेट आएगा, हमने पहले ही हमने लिखा हुआ था। अगर हम इसमें डालेंगे तो येलो या आप ब्लू कलर, ब्लू प्रेसिपिटेट भी लिख सकते हैं, ब्लू भी आता है इसके अंदर, है ना। और यहां पर बिल्कुल कोई भी नहीं आएगा। दिस इज कॉल्ड विक्टर मेयर टेस्ट। आई थिंक ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से, ये कलर का ध्यान रखना, ब्लू कलर आता है, येलो कलर नहीं आता है, ठीक है, मैंने लिख दिया है यहाँ पर। तो ये आपका विक्टर मेयर टेस्ट हो गया। तो ये दो टेस्ट हैं जिससे आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना था। तीन टेस्ट ट्यूब आपको दे देंगे और उन टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल भर के देंगे, बट यू डोंट नो कि किस टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सा अल्कोहल है। तो ल्यूकास टेस्ट में आप तीनों में ल्यूकास रिएजेंट को डालेंगे, HCl + ZnCl2, तो वहां टर्शरी में तुरंत व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा, सेकेंडरी में 5 मिनट्स लगेंगे और प्राइमरी में आधे घंटे बाद या गर्म करने पर आएगा। तो क्लियर हो गया कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ल्यूकास रिएजेंट, टर्शरी इज मोर देन सेकेंडरी, इज मोर देन प्राइमरी। दूसरा टेस्ट था विक्टर मेयर टेस्ट, इससे भी आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ रिएजेंट लर्न करने पड़ेंगे। विक्टर मेयर रिएजेंट पहले रेड फास्फोरस और आई टू डालेंगे तीनों में, तो जो ओएस था हटके आई लग जाएगा, फिर AgNO2 डालेंगे तो आई हटके NO2 लग जाएगा, फिर HNO2 नाइट्रस एसिड डालेंगे तो आपका नाइट्रोलिक एसिड, स्यूडो नाइट्रोल और कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, तो टर्शरी में कलरलेस सोल्यूशन रहेगा। अब इसमें NaOH डालेंगे तो प्राइमरी में रेड कलर आएगा, सेकेंडरी के अंदर ब्लू कलर आएगा और टर्शरी में कोई भी कलर नहीं आएगा। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इन दो मेथड से आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हमारे अल्कोहल का जो पूरा यूट्यूब चैनल के ऊपर जो आपका प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आपको जहां से अल्कोहल को पढ़ना हो आप पढ़ सकते हैं। कोचिंग में होम का कॉन्सेप्ट है और आप अगर वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। अब हम अगले वीडियो के अंदर, आप ऐसे वीडियो को ज्यादा फोकस करिए, एक बार पहले इन वीडियो को देखिए जो थियोरिटिकल है, फिर विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आज द एग्जामिनेशन, उनको देखने की कोशिश करिए, तो आपको मालूम चलेगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ऑल द बेस्ट।